नमस्कार, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम उपवास के लिए केक की रेसिपी बनाने वाले हैं। ये केक बनाने के लिए हमें इस तरह दिखने वाला पॉट लगेगा। अगर आपके पास नहीं है तो मेरे तरह ऐसे कटोरी रखकर भी बना सकते हैं। केक बनाने के लिए सबसे पहले मैंने आधा कप वराई के चावल लिए हैं। इसे हमें एकदम बारीक मैदे के जैसे पीस लेना है। इसी कप से मैं घर में बनाया हुआ आटा लेने वाली हूँ। ये उपवास का आटा कैसे बनाते हैं इसकी रेसिपी मैंने अपलोड की है, आप वो देख सकते हैं या फिर आप ये आटा ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं। एक कप आटा, आधा कप पीटी शक्कर, 1/3 कप दही, 1/4 कप कंडेंस मिल्क और बड़ा चम्मच बटर लिया है, 1 ग्लास में दूध और वेनिला एसेंस लिया है। हमें बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा भी लगेगा। बाद में मैं इसमें मिल्क पाउडर भी ऐड करने वाली हूँ। अगर आप ये आटा ऑनलाइन परचेस करना चाहते हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। फिर आप घर पर भी बना सकते हैं या सिर्फ वराई के आटे से भी ये केक बना सकते हैं। आप जो चाहे वो एसेंस इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले हमें यहाँ एक कढ़ाई गरम करने के लिए रख देना है और उसे ढक कर रखना है ताकि ये प्री हीट हो जाए। इसे हमें 10 से 15 मिनट तक प्री हीट करना है, तब तक हम हमारा बैटर तैयार कर लेंगे। मैंने एक बाउल लिया है, इसमें हमें हमारे वेट इंग्रेडिएंट्स यानी बटर, दही और कंडेंस मिल्क एकदम अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब हम इसमें पिट्ठी शक्कर यानी हमारी पाउडर शुगर ऐड कर लेंगे। मैंने यहाँ दूध लिया है, अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पहले थोड़ा सा ही दूध लेना है। अब हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से छान लेंगे। इसमें हमने हमारा आटा, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और मिल्क पाउडर ऐड किया है। इसे हमें 2 बार छान लेना है। अब ये छानने के बाद हम इसे हमारे बैटर में ऐड कर देंगे। इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके हमें इसमें मिक्स कर लेना है। अब हम इसमें थोड़ा सा दूध ऐड करेंगे। हमें जितनी ज़रूरत है उतना दूध हम इसमें ऐड कर लेंगे। लास्ट में हम इसमें एसेंस ऐड करेंगे। आप इसमें मिक्स फ्रूट या फिर वेनिला एसेंस भी ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ केक टिन लिया है, अब हम इसमें हमारा बैटर ऐड कर लेंगे। इस टिन को हमें अच्छे से टैप कर लेना है। हमारी कढ़ाई अच्छे से प्रीहीट हो गई है, इसमें हम ये पॉट रख देंगे और ऊपर से ढक देंगे। पहले 5 मिनट हमें बड़ी आंच पर रखना है, फिर एकदम धीमी आंच पर पका लेना है। इस पर वजन रखा है, आप देख सकते हैं केक अच्छे से फूल रहा है। लेकिन मैंने बताया उसी तरह का केक टिन यूज करना है, नहीं तो केक बीच में से पिचक जाता है, आप देख सकते हैं। 35 मिनट बाद केक को चेक कर लेना है। मुझे इस केक को 45 से 50 मिनट लगे हैं। केक को हमें अच्छे से ठंडा कर लेना है। हमारा केक अच्छे से पक गया है। केक ठंडा होने के बाद हम इसे निकाल लेंगे। अब हमारा केक अच्छे से ठंडा हो गया है। मैंने इस तरह का केक टिन नहीं यूज किया है, इसलिए मेरा केक बीच में से थोड़ा सा पिचक गया है। इसलिए मैं इस केक को बीच में से थोड़ा सा कटर से काट लूंगी। अगर आप नहीं काटना चाहते तो ऐसे भी रख सकते हैं। हमारा केक एकदम सॉफ्ट बना है।
केक को डेकोरेशन करने के लिए इस तरह से थोड़ी सी आइसिंग शुगर या पाउडर शुगर छिड़के या फिर बटर आइसिंग कर सकते हैं। अब हम केक को कट करके देखेंगे। हमारा केक बहुत ही सॉफ्ट बना है, जिस तरह हम मैदे का केक बनाते हैं वैसे ही बना है और बहुत ही टेस्टी है।